Hello everyone, welcome to Shikshaya Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 27th October, in which we will cover important news from several newspaper, PIB and government sources. So let's begin our session. Our first topic is evidence of dairy production in the Indus Valley civilization. For the first time, it has been proved scientifically that dairy production was in place in the Indus Valley civilization in 2500 BCE and the earliest known evidence of dairy production. ये पहली बार प्रूफ हुआ है साइंटिफिकली कि जो डेयरी प्रोडक्शन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2500 BCE में था और अर्लीस्ट नॉन एविडेंट डेयरी प्रोडक्शन का ये मिला है. द रिजल्ट वॉज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर केमिकल एनालिसिस रेसिड्यू इन साल्ट ऑफ पोट्री फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोटाडा बाडली लोकेटेड इन गुजरात. जो रिजल्ट है वो बेस्ड है मॉलिकुलर केमिकल एनालिसिस ऑफ रेसिड्यू के ऊपर जो कि साल्ट पोट्री जो कि पाया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोटाडा बाडली जो कि लोकेटेड है गुजरात में वहां से उसके ऊपर बेस्ड है. ऑफ द 59 सैंपल स्टडी 22 शोड द प्रेजेंस ऑफ डेयरी लिपिड. जो 59 सैंपल को स्टडी किया गया है उसमें से 22 पे प्रेजेंस मिला है डेयरी लिपिड का, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि डेयरी प्रोडक्शन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा था. अब की फाइंडिंग क्या है, डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया बिगन एज फार बैक इन 3rd millennium BCE एंड मे हैव बीन अ फैक्टर बिहाइंड सस्टेनिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो जो डेयरी प्रोडक्शन था इंडिया में वो चला आ रहा था 3rd millennium BCE से ही और ये एक फैक्टर हो सकता है सस्टेन करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को. Through a process called stable isotope analysis, the researchers were also able to identify the type of ruminant used for dairy and concluded that these were cattle like cows and buffalo rather than goat and sheep. जो process जिसको कि हम stable isotope analysis कहते हैं, researcher ने identify किया जो type of ruminant used होता है dairy के लिए और ये वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो कैटल यूज होते थे वो काउ और बुफेलो थे रेदर देन गॉट और शिप की जगह. इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डायरी एक्सप्लॉयटेशन, द हरप्पन डिड नॉट जस्ट यूज डायरी फॉर देयर हाउस होल्ड, द लार्ज हल्ट इंडिकेट दैट मिल्क वॉज प्रोड्यूस इन सरप्लस सो दैट इट कुड बी एक्सचेंज एंड देयर कुड हैव बीन सम काइंड ऑफ ट्रेड बिटवीन सेटलमेंट. दिस कुड हैव गिव राइज टू इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डायरी एक्सप्लॉयटेशन. तो जो इंडस्ट्रियल लेवल था डेयरी एक्सप्लॉयटेशन का, हरप्पन पीपल जो थे ये सिर्फ डेयरी को प्रोड्यूस अपने कंजम्पशन के लिए ही नहीं कर रहे थे, वो हाउस होल्ड यूज के लिए. ये जो थे लार्ज हल इंडिकेट करता है कि मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था सरप्लस अमाउंट में, ताकि वो क्या करे एक्सचेंज कर सके इसको सम काइंड ऑफ ट्रेड और सेटलमेंट के लिए, क्योंकि उसमें बार्टर सिस्टम चलता था आप लोगों को पता है. दिस कुड हैव बीन गिवन राइज, इसके कारण क्या था इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी एक्सप्लॉयटेशन का बढ़ावा मिला. कार्बन आइसोटोप स्टडीज, जो हम कार्बन आइसोटोप की स्टडीज किए हैं मॉलिकुलर एनालिसिस टेक्निक से, ये स्टडी रेसिड्यू का एंशियंट पोट्रीज हम लोग को ये पता चल पाया. जो पोर्ट होते हैं वो पोरस होते हैं, इसी कारण जब हम उसमें कोई लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड डालते हैं तो वो क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन पोर्ट क्या प्रिजर्व भी करता है मॉलिकुल्स ऑफ फूड को, जैसे कि फैट और प्रोटीन है तो वो क्या उसको प्रिजर्व करके रख लेगा. यूजिंग टेक्निक लाइक C16 एंड C18 एनालिसिस वी कैन आइडेंटिफाई दिस सोर्स ऑफ लिपिड. और यूज करके टेक्निक जो है कार्बन डेटिंग का 16 और C18 एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिपिड कौन सा है. अब ये स्पेशल क्यों है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो 2020 जो है 100 ईयर ऑफ डिस्कवरी का हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसलिए भी ये साल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका. ये इंडस वैली का सिविलाइजेशन का मैप है, आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेसेस को यहाँ पे. नेक्स्ट, फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर. साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर. तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने डिस्कवर किया पहला रूम टेम्परेचर का सुपर कंडक्टर को. द सुपर कंडक्टर वॉज फॉर्म्ड बाई स्क्वीजिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर बिटवीन द टिप्स ऑफ टू डायमंड एंड हीटिंग द मटेरियल विथ लेजर लाइट टू इंड्यूस केमिकल रिएक्शन. ये जो सुपर कंडक्टर है वो बना है स्क्वीज करके कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर जो टिप थे डायमंड के उसके बीच में, और हीट करके मेटल को और लेजर लाइट को इंड्यूस किया गया केमिकल रिएक्शन के द्वारा. इस प्रोसेस से इस सुपर कंडक्टर को बनाया गया है. तो टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होगा वो अबाउट 2.6 मिलियन टाइम होगा अर्थ एटमोसफियर पे, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है खत्म हो जाता है. However, the new material superconducting superpower appear only at extremely high pressure, limiting its practical usefulness. लेकिन जो new material superconducting superpower जो है वो काफी high pressure पे है, वो इसको limit कर देता है इसका practical usefulness को, क्योंकि हर जगह possible नहीं है कि extremely high pressure provide किया जा सके.
सुपरकंडक्टर होता है क्या है, तो सुपरकंडक्टर जो है वो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बिना कोई रेजिस्टेंस के। इससे क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो कर जाता है बिना कोई लॉस के। ये सुपरकंडक्टर का काम है। पोटेंशियल एप्लीकेशन, इफ़ अ रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर कुड बी यूज एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, इट कुड सेव वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। अगर रूम टेम्परेचर पे सुपरकंडक्टर को यूज किया जा सके एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, तो इससे क्या होगा, वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को सेव किया जा सकता है जो कि लॉस हो जाता था रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक ग्रिड पे। एंड इट कुड इम्प्रूव करेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम MRI मशीन टू क्वांटम कंप्यूटर टू मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। और इसका फायदा क्या होगा, तो ये इम्प्रूव करेगा जो अभी का टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि MRI मशीन हो गया, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन है, तो इसमें क्या है, ये मदद करेगा, इम्प्रूव करेगा इस टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन ब्राउन बियर, जिसको कि हम हिमालयन रेड बियर, इसाबेलाइन बियर और डेजुटेक नाम से भी जानते हैं। ये लार्जेस्ट कार्निवोर है हाईलैंड ऑफ हिमालयस का। इट इज फाउंड इन 23 प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये पाए जाते हैं 23 प्रोटेक्टेड एरिया में, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर भी आते हैं। इनका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है IUCN के कैटेगरी पे, लेकिन ये जो सब स्पीशीज है काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर है और पॉपुलेशन जो इसका बटा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ये इंडेंजर है हिमालय पे और क्रिटिकली इंडेंजर है हिंदकुश रीजन पे, यानी इसकी स्पीशीज डिक्लाइन कर रही है बहुत ज़्यादा। न्यूज़ में क्यों आया, तो जो अभी रिसेंट स्टडी किया गया है हिमालयन ब्राउन बियर के ऊपर, ये प्रेडिकेट कर रहा है कि जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है सस्टेबल हैबिटेट में और बायोलॉजिकल कॉरिडोर पे इस स्पेसीज का क्लाइमेट चेंज के कारण, तो हो सकता है आने वाले समय पे क्या होगा कि इनको कंजर्व करने का जरूरत पड़ सकता है। लिस्ट कॉन्सर्न से अभी जो कहीं कहीं इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर है, ये इंडेंजर के कैटेगरी में भी आ सकते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर इश्यू, आफ्टर मंथ ऑफ सिमरिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया ओवर द कालेपनी इश्यू, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली रिसेंटली इंडिकेट अ सॉफ्टर लाइन व्हेन ही यूज एन ओल्ड मैप ऑफ नेपाल टू ग्रीट एवरीवन ऑन द फेस्टिवल ऑफ विजयादशमी। जो मंथ लॉन्ग चला आ रहा था डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल को लेकर, काला पानी टेरिटरी को लेकर, तो प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ने अभी सॉफ्टर लाइन शो किया है पुराना मैप को यूज करते हुए नेपाल का, सबको विश जब वो कर रहे थे विजयदशमी का। द ओल्ड मैप डज नॉट शो द रीजन ऑफ काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दूरा विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो तो पुराना मैप है वो नहीं शो कर रहा है जो रीजन था काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दूरा का, जो कि पार्ट है इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। इश्यू क्या था, तो काला पानी जो था वो शो किया गया था नेपाली सॉवरेन टेरिटरी पर न्यू मैप के अंदर, जो कि अनवील किया गया था नेपाल के द्वारा May 20 को, एंड मेड अ पार्ट ऑफ नेपाली स्टेट बाई एन अमेंडमेंट ऑन June 30। और इसको नेपाल का स्टेट शो किया गया था अमेंडमेंट करके June 13 को। काला पानी का लोकेशन क्या है, ये लोकेटेड है ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है शेयर करता है बॉर्डर ऑन द नॉर्थ विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड नेपाल इन द ईस्ट एंड साउथ से। इट इज वेजेड इन बिटवीन लिम्पिया धुरा, लिपुलेक एंड काला पानी। ये जो काला पानी है वो लोकेटेड है लिम्पिया धुरा, लिपुलेक और काला पानी के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ये अगेन न्यूज में आया है, तो क्यों आया है, तो ये है क्या, सबसे पहले इट एलो इज टू रेगुलेट पेरिशेबल कमोडिटीज इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऑफ प्राइस राइज। ये जो है एलो करता है रेगुलेट करने में पेरिशेबल कमोडिटीज को, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में प्राइस का राइज होता है। अंडर प्रोविजन ऑफ द लॉ एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट विल बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज। इस प्रोविजन के लॉ के अंदर कोई भी जो एक्शन लिया जाएगा स्टॉक लिमिट के ऊपर वो बेस्ड होगा प्राइस राइज के ऊपर। एनी ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट में बी इश्यूड ओनली इफ देयर इज 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट और 50% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर विच एवर इज लोअर। तो ये जो ऑर्डर है रेगुलेट करने का स्टॉक लिमिट का, तभी इश्यू किया जाएगा जब 100% इंक्रीज हो रिटेल प्राइस में हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट का, व 50% इंक्रीज होना चाहिए रिटेल प्राइस में नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ का ओवर द प्राइस जो कि इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा हो 12 मंथ का, व एवरेज रिटेल प्राइस जो है लास्ट 5 ईयर का जो भी लोअर होगा उसके देखने के बाद। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज जो कि मेंशन है बिल पे वो क्या क्या है, जैसे कि वॉर हो गया, फेमाइन हो, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए, वह नेचुरल कैलामिटी आ जाए ग्रेव नेचर का,
अब एग्जेम्पशन क्या दिया गया इस लॉ के अंदर, एसेंशियल कमोडिटी लॉ के अंदर, द एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टॉक होल्डिंग लिमिट विल बी प्रोवाइडेड टू प्रोसेसर एंड वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अदर रिलेटिंग टू पीडीएस। तो इसमें स्टॉक लिमिट में आपको एक्सेप्शन उनको दिया गया है जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन है किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए और जो कि रिलेटेड हो पीडीएस सिस्टम से, तो उनको एक्सेप्ट किया गया है। न्यूज में क्यों आया, तो जो रिटेल प्राइस है ऑनियन का ₹100 पर केजी तक जा चुका है कुछ स्थिति में, इसके कारण गवर्नमेंट ने इन्वोक किया इस प्रोविजन को, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 को, और लिमिट लगा दिया है ऑनियन के स्टॉक के ऊपर 25 मेट्रिक टन का है होलसेलर के ऊपर और 2 मेट्रिक टन का है रिटेलर के ऊपर। ये जो स्टॉक लिमिट है वो इफेक्ट में आ जाएगा इमिडिएटली से और चलेगा December 31st तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क फ्रॉम होम एंड एयर पॉल्यूशन। As per a new report released by the Energy and Climate Intelligence Unit, some areas in the UK could experience greater level of air pollution due to large number of people working from home due to pandemic this winter season. तो जो न्यू रिपोर्ट रिलीज की गई है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, कुछ एरिया जो यूके का है वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाएगा ग्रेटर लेवल एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे होम से इस पेंडेमिक के समय पे इस विंटर सीजन पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विंटर एयर पॉल्यूशन स्पेशली एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर सेट टू इंक्रीज इन द यूके एज अ रिजल्ट ऑफ पीपल स्पेंडिंग मोर टाइम वर्किंग फ्रॉम देयर होम एंड यूजिंग गैस बॉयलर फॉर हीटिंग पर्पज। और जो विंटर के समय पे जो है एयर पॉल्यूशन जिसमें स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो इंक्रीज होगा यूके पे, इसका रिजल्ट के रीजन क्या बता रहा है, क्योंकि पीपल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो गैस बॉयलर का यूज करेंगे हीटिंग पर्पज़ को लेके। दिस एडिशनल नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन विल बी रफली इक्विवेलेंट टू कैंसलिंग आउट 2 ईयर ऑफ गेन इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रैफिक पॉल्यूशन मेजर। और ये जो एडिशनल नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट होगा वो इक्वल होगा जो 2 साल का इन्होंने गेन किया था ट्रैफिक पॉल्यूशन मेजर्स को लेके उसके। नेक्स्ट क्या था हमारा, गैस कंपंशन इन बिल्डिंग फ्रॉम कुकर्स एंड बॉयलर इज अ मेजर सोर्स ऑफ लोकल एयर पॉल्यूशन एंड अकाउंट फॉर रफली 21% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन अक्रॉस द ग्रेटर लंदन एरिया फॉर इंस्टेंस। और जो गैस कंपंशन है बिल्डिंग के ऊपर कुकर व बॉयलर के द्वारा, ये मेजर सोर्स है लोकल एयर पॉल्यूशन का और रफली 21% नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट होता है इस कारण से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज एनर्जी यूज ECIU analysts suggest that urban air quality will worsen with nitrogen oxide emission increasing by approximately 12% in some UK towns and cities. और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इंक्रीज एनर्जी यूज है ECIU ने बताया एनालिस करके सजेस्ट किया कि जो अर्बन एयर क्वालिटी है वो और ज़्यादा वॉर्सन होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% तक कुछ एरियाज में यूके का बढ़ेगा। जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 है जो कि पब्लिश किया गया था यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंडियाज का पॉपुलेशन जो है वो 3rd highest एक्सपोजर है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इवेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये एविडेंस कहाँ से हम लोग को मिला है, की फाइंडिंग क्या था, टेक्निक क्या यूज किया गया था, और 2020 में जो 100 ईयर हो गया डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये। देन हम लोगों ने फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, तो ये किस तरीके से बना, सुपर कंडक्टर होता क्या है और इसके पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है। देन हम लोगों ने पढ़ा हिमालयन ब्राउन बियर, तो ये और किस किस नाम से जाने जाते हैं, IUCN स्टेटस इसका क्या है, फिर ये इंडेंजर है हिमालयन में और क्रिटिकली इंडेंजर है हिंदकुश रीजन पे, और न्यूज़ में इसका आने का रीजन क्या था, क्योंकि अगर इसको नहीं किया जाए, इनके हैबिटेट को अगर नहीं प्रोटेक्ट किया जाए तो ये इंडेंजर के कैटेगरी में भी आ सकता है लिस्ट कॉन्सर्न से। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंडो नेपाल बॉर्डर इश्यू, तो इश्यू था क्या और काला पानी का लोकेशन कहाँ है। फिर हम लोगों ने कंसीडर किया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 को, तो ये एक्ट करता क्या है, इसके अंदर रूल क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है, फिर एग्जेम्पशन क्या दिया गया है, न्यूज़ में क्यों आया। लास्ट टॉपिक था हमारा वर्क फ्रॉम होम एंड एयर पॉल्यूशन, तो ये कौन सा रिपोर्ट था, किस एरिया पे के लिए ये है और रीजन क्या है जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका रीजन क्या दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे करेंट अफेयर सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड। This is our social media link. From here also, you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.